वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम माय सूल फैमिली। दोस्तों, हम वक्त की चादर में लिपटे रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा वक्त बदलेगा तो हम बदल जाएंगे, क्योंकि वक्त में बड़ी ताकत होती है। सब कहते हैं कि मेरा अच्छा समय चल रहा है, या कोई कहता है कि मेरा बुरा समय चल रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि समय अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारे कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। तो ये समय का दोष नहीं है दोस्तों। इसलिए अगर हम कहते हैं कि मेरा समय बुरा चल रहा है दोस्तों, तो समय को कभी बुरा मत कहिए। ये दोष समय का नहीं है, हमारे कर्मों का है। और दोस्तों, कर्म की एक थ्योरी होती है और उस थ्योरी को हमें भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उस थ्योरी से जुड़ेंगे नहीं, अटैच नहीं होंगे, उसको डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हमारा वक्त नहीं बदल सकता है दोस्तों। मैं हमेशा आपसे हकीकत कहना चाहता हूँ, मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। इसलिए कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा मेरे वीडियोज़ में कि मैंने आपको कुछ उपाय बताए कि आप ऐसा उपाय कर दीजिए और आप का सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है, उसके लिए कोई उपाय काम नहीं करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में ये समझेंगे कि कर्मा की थ्योरी क्या होती है। दोस्तों, एज ए ह्यूमन बीइंग हम बार बार जन्म लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जन्म लेते हैं और कुछ लोग कम जन्म लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसी को ज़्यादा जन्म क्यों लेना पड़ रहा है और किसी को कम जन्म क्यों लेना पड़ रहा है, वो उसके कर्म पे डिपेंड करता है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और महसूस करिएगा दोस्तों, आपके कई प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका जो जन्म होगा वो कम होगा, और किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसका जो जन्म है वो कई बार उसे लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक लिमिटेशंस होती है कि आदमी इतने ही जन्म लेगा, उससे अधिक वो नहीं ले सकता। अब होता क्या है, जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, मैं आपके फर्स्ट बर्थ की बात कर रहा हूँ, जब आपने पहली बार जन्म लिया तो आपकी जो एनर्जी थी वो काफ़ी प्योर थी, प्योरिटी थी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको क्रिएट किया है, ईश्वर की एनर्जी ने आपको क्रिएट किया है। तो जो भी ईश्वर की एनर्जी है या उसकी शक्तियां हैं या उसकी जो पावर है, वो उस एनर्जी में ईश्वर ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर ईश्वर क्रिएटर है तो वो हमको जब क्रिएट करता है, हमारी एनर्जी को क्रिएट करता है, तो हमें भी वो शक्ति देता है कि हम कुछ क्रिएट कर सकें। ये चीज़ आपको बड़ी ध्यान से समझना है। तो जब उस एनर्जी का क्रिएशन हुआ दोस्तों, तो वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में थी, मतलब आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म में थे। लेकिन जब उस एनर्जी से आपने कुछ क्रिएट किया तो वो आपका बर्थ था इन फिजिकल फॉर्म। अब जब आपने बर्थ लिया फिजिकल फॉर्म में, तो नेचुरल चीज़ है कि कुछ ना कुछ तो आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे, अच्छा करेंगे और बुरा करेंगे। और जब आपकी डेथ होती है तो आपने जो अपने फर्स्ट बर्थ में किया है, क्योंकि फर्स्ट बर्थ काफ़ी न्यूट्रल है, आप एकदम साफ सुथरे हैं, और जब आपकी डेथ होती है तो फिर आपका जो कर्मा का लेखा जोखा है वो स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो जो एनर्जी है जो ईश्वर ने क्रिएट की, जो कि आप हैं, वो डिसबैलेंस हो जाती है, या तो वो पावरफुल बन जाएगी या उसका जो पावर है वो घट जाएगा दोस्तों। तो जब हम वापस प्योरेस्ट फॉर्म में आते हैं एनर्जी के, तो हम ये सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं कि मैंने जो फिजिकल फॉर्म में बर्थ लिया और उसके बाद में मैंने जो किया उसमें अच्छा ये किया और बुरा ये किया। तो उस सेल्फ रियलाइजेशन में जाने के बाद में हमें ये चीज़ आती है, ये फीलिंग आती है पश्चाताप की या प्रायश्चित की, कि मुझे जो मैंने गलत किया उसको मुझे सही करना है। और फिर क्या होता है, हम दोबारा जन्म लेते हैं। अब दोबारा जन्म लेंगे तो क्या होगा कि हमने जो फिजिकल फॉर्म में जीवन जिया है
वो काफ़ी हद तक हमारे अंदर स्टोर रहता है, तो हम उसी के तहत चलते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। और जब हम उसको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा के अंदर एक कॉलिंग होती है कि हमें कुछ गलत को सही करना है, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं दोस्तों। तो वो स्थितियाँ अपने आप से आपके सामने आएंगी अगर आप में अवेयरनेस है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा जो अवेयरनेस सिस्टम है वो थोड़ा कम कमज़ोर हो जाता है। अगर हमने अपने पर सोल वर्क नहीं किया है तो वो जो अवेयरनेस है हम में कम हो जाती है। तो क्या होगा कि आप उसी गलती को दोबारा दोहरा सकते हैं, और अगर आप में अवेयरनेस है तो जो गलत आपने किया उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कर्मा की थ्योरी ये कहती है कि जो कर्म आपने खड़ा किया उस कर्म को आप ही को मिटाना है। अब मान लीजिए कि आपने सेकेंड बर्थ में जो आपका पहला कर्म खड़ा था तो उसको आपने क्लियर नहीं किया, तो क्या किया आपने, आपने वापस एक दूसरा कर्म खड़ा कर लिया, इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई आप, तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा उस कर्म को नलीफाई करने के लिए। कर्मा की थ्योरी बड़ी सिंपल है दोस्तों। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैंने इस जन्म में किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। और कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरे हैं, जिनके कर्म बहुत बुरे हैं, फिर भी उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो मैं आपके इस सवाल का इस तरह से जवाब देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आपके साथ आपके जीवन में आप अच्छा करते जा रहे हैं और आपके साथ बुरा घटित होता ही जा रहा है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मार्क माई वर्ड्स, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि फिर आप अपनी कर्मा को क्लीन कर रहे हैं, आप उस प्योरिटी को पा रहे हैं अपनी लाइफ में जिसको पाने के लिए आपका जन्म हुआ है। क्योंकि हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं तो जो अफेक्ट होगा वो मेटेरियलिस्टिक हमें मिलेगा या इमोशनली मिलेगा रिलेशनशिप के थ्रू, और हमें वो हर्ट पेन जगेगा और ये फीलिंग आएगी कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और फिर उसका कारण हम ढूंढेंगे, और जब कारण ढूंढेंगे तो ईश्वर से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, और फिर उस पीस को हम पा सकते हैं, उस ईश्वर को हम पा सकते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ एवरी सोल हु टेक्स बर्थ। अब सेकेंड सिनारियो ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए ऐसी कोई आत्मा है जो लगातार बुरे कर्म करती जा रही करती जा रही करती जा रही, लेकिन उसको भगवान पनिश नहीं कर रहा है, और हमें भी लग रहा है कि ये इंसान गलत है, लेकिन इसके साथ फिर भी अच्छा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कर्मा रिटर्न्स, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स। अगर कोई आपके साथ बुरा किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है और आपको सहना पड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसका भला सोच रहे हैं, तो आंसर आपको नहीं देना है दोस्तों, वो आंसर ईश्वर ही देता है, अपने आप से ईश्वर वो देता है आंसर। आपको याद होगा मैंने किसी एक वीडियो में कहा था कि महाभारत में शिशुपाल एक कैरेक्टर था जो लगातार गलतियों पे गलतियां किए जा रहा था किए जा रहा था किए जा रहा था, और उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को चेतावनी दी, वार्निंग दी कि देख शिशुपाल, मैं तेरी 99 गलतियां माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि तेरे कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके कारण मुझे तुझे माफ़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू 100 ही गलती करेगा तो तेरा सर धड़ से मैं अलग कर दूंगा। लेकिन शिशुपाल ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना दोस्त, और अंत में जब शिशुपाल ने 100 ही गलती की तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और शिशुपाल का सर को धड़ से अलग कर दिया। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो बुरा कर रहा है उसको अच्छा तभी तक मिल सकता है जब तक उसका कोई कर्म पिछला उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन जब वो कर्म की अवधि पूरी हो जाती है तो फिर उस बुराई का अंत होना निश्चित है। और उसी तरह अगर आप अच्छे हैं और आपके साथ बुरा होता जा रहा है होता जा रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि आपकी बुरी कर्मों की अवधि पूर्ण हो जाएगी
फिर आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो आपके लिए इग्नाइट होंगे। कर्मा की थ्योरी बड़ी प्योर है, पारदर्शिता है इसके अंदर, तो जो दिया है वो मिलेगा। प्रश्न सिर्फ ये है कि आपने कितना दिया है किसी को या किसी से कितना लिया है, और ये इस जन्म तक सीमित नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हिसाब किताब तो हमें इसी जन्म में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा आखिरी जन्म है दोस्तों इस कलयुग में।